कोरोना काल में पड़ी भांगेला टूर एंड ट्रावेल्स ना धंधा फरी धमधमी रहा है, त्यारे दिवाळी टाणे गोवा जता प्रवासीओ माटे महत्वना समाचार सामे आव्या छे। मुंबई हाईकोर्ट द्वारा महत्वनो आदेश अपायो छे, जेमां वेक्सिन ना बन्ने डोज लेनार अथवा तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रजू करनार माटे गोवाना द्वारा खुल्ला मुकवामां आव्या छे। जे आदेश ने लईने अखिल गुजरात प्रवासी वाहन संचालक महामंडळना मंत्रीए जणाव्युं हतुं के कोरोना काळमां टूर एंड ट्रावेल्सना धंधा पड़ी भांग्या हता, त्यारे हाल बॉम्बे हाईकोर्टना निर्णयथी धंधाने वेग मळी रह्यो छे અને નિર્ણય બાદ દિવાળી વેકેશનના બુકિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે। चौक्स मुंबई हाईकोर्टे जो आदेश आप हम के भी कम्पलसरी गोवा जवा टूरिस्ट ने आरटीपीसीआर टेस्ट अथवा तो वेक्सिना बे डोज लीधेला कम्पलसरी होइए तो एना टूरिज्म पर सारी एवं इफेक्ट पड़ से, लोग एक सिक्योर फील करते जेने भी फरवा जवे गोवा के कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर आजूबाजूना तो एक सिक्योर फील करते एना 100% दिवाड़ी जो नजीक आई रही है तो एना हिसाब टूरिज्म उद्योग पर सारी एवं અસર થશે, લોકોનો જવાનો ક્રેઝ થોડો વધશે અને ટુરિઝમ ઉદ્યોગને બેનિફિટ થશે એનાથી। હાલમાં તો પરિસ્થિતિ એવી છે કે હમણાં જે થર્ડ વેવનું જે હમણાં વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે કેરળમાં અને એમાં જે કેસીસ વધી રહ્યા છે એનાથી લોકોમાં થોડોક ડર એવો ઘૂસેલો છે, પણ જો થર્ડ વેવ નહીં આવે અને વેક્સિનેશન પ્રમાણથી થઈ જશે તો 100% આની ઇફેક્ટ મહિના બે મહિના ત્રણ મહિના પછી સારી એવી દેખાશે, એનાથી લોકોનો થોડો બહાર નીકળવાનો ક્રેઝ વધશે।